जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, आपके लिए नई नई जानकारी, नए नए सूत्र ज्योतिष के बारे में हम लेके आते रहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पीछे हमने आपको वीडियो गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन के ऊपर भी अपलोड किए हैं, मेष राशि परिवर्तन, वृष राशि में क्या प्रभाव होगा। और आज का जो वीडियो है, वो है मिथुन राशि के ऊपर, कि मिथुन राशि के ऊपर बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन, उसका क्या प्रभाव होगा। तो मिथुन राशि वाले, आप ध्यान से सुनिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं कि मिथुन राशि के ऊपर बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो क्या क्या प्रभाव दिखाएगा। तो पहले बात करते हैं दर्शकों बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सबसे सौम्य ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति सबसे ज्ञानवान ग्रह है। और बृहस्पति के बारे में अब ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप ये मान के चलिए कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो उनमें से 5 भाव का जो कारक है वो बृहस्पति होता है। कौन कौन से भाव हैं आपको बता देता हूँ। पहला भाव है धन भाव, कहते हैं इसको, जो राशि से दूसरा पड़ता है या लग्न से दूसरा भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं, धन के कारक। दूसरा भाव है पंचम भाव, संतान का भाव, विद्या बुद्धि का भाव, हमारी पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का भाव होता है, शेयर मार्केट का भाव होता है, स्टॉक एक्सचेंज का भाव होता है, उसके भी कारक बृहस्पति हैं। तीसरा भाव है भाग्य भाव, भाग्य भाव मतलब हमारा प्रारब्ध। पंचम भाव मतलब हमारा संचित कर्म, और जो राशि का जो भाव होता है वो हमारा अपना स्वयं होता है। तो मैं आज जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये राशि के अकॉर्डिंग वीडियो है। अगर किसी की राशि और लग्न एक ही है तो ये उसके ऊपर बिल्कुल सटीक प्रमाण के सहित आपके सामने व्याख्या की जाएगी। और जो चौथा भाव होता है वो होता है हमारा कर्म भाव, उसके भी कारक बृहस्पति हैं। और जो पांचवा और सबसे अंतिम और सबसे मूल्यवान जो भाव होता है उसको कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव, डिजायर का भाव, आपकी मनोकामना का भाव, लाभ का भाव, आय का भाव, बेनिफिट का भाव। तो देखा आपने कि कुंडली में 5-5 भावों का जो कारक है वो बृहस्पति गुरु होता है, और ऐसी पोजीशन में और वो बृहस्पति कहीं स्थान परिवर्तन करता है तो उसे कितने सारी राशियों को, कितने सारे भावों को उसे फल मिलता है। एक बात मैं आपको यहाँ बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ, दर्शकों ये नोट करने वाली बात है, अगर जन्म के समय किसी का बृहस्पति नीच राशि में बैठा है, यानी मकर राशि में बैठा है, कम अंश में बैठा है, किसी का बृहस्पति तृक भाव में है, छठवां आठवां बारहवें भाव में गया हुआ है, तो इन भावों में अगर किसी के जन्म का समय बृहस्पति बैठा है तो उसके लिए जो प्रभाव है बृहस्पति के गोचर के वो कुछ न्यून हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ज्यादा प्रभावशाली उसी के ऊपर रहेगा जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे प्रभाव में है, तृक भाव में नहीं है, स्वग्रही है या उच्च के ग्रह का बैठा हुआ है, या किसी एक दूसरे सोम ग्रह से संबंध या दृष्टि युति दृष्टि संबंध बना रहा है, तो बृहस्पति वहाँ आपको ज्यादा लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि से बृहस्पति का गोचर अभी पीछे कर्म भाव में था, जहाँ वो स्वग्रही बैठे हुए थे। दो केंद्र भावों का स्वामी बृहस्पति बनता है, और अपने एक केंद्र भाव दशम भाव में उनका गोचर था, पूरे 1 साल तक यहाँ रहे हैं। तो 1 साल तक अच्छा परिणाम बृहस्पति ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, लेकिन अब बृहस्पति दशम भाव को छोड़ करके, जहाँ हंस नाम का एक योग बना रहे थे राजयोग, उसको छोड़ करके आपके डिजायर के भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, आपकी कामना के भाव में बृहस्पति का अब 22 अप्रैल को सुबह 5:13 पे इनका गोचर हो रहा है, दिन रहेगा शनिवार, और इनका यहाँ
ट्रांजिट का जो समय है बहुत लंबा है, पूरे कम से कम 1 साल यहाँ रहने वाले हैं। 1 मई 2024 तक यहाँ स्थान जो मेष राशि का है उसमें ये विराजमान रहेंगे। अब देखिए बृहस्पति लाभ भाव के अंदर बैठा है, तो वो जिन जिन भावों के कारक हैं उन भावों से आपको लाभ देने में सक्षम है। बृहस्पति के साथ राहु की युति भी है, हालांकि राहु के बारे में हमारे ज्योतिष में सूत्र है कि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, अपना कोई भाव नहीं होता, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के भाव को बढ़ा देते हैं, या वहाँ कोई ग्रह नहीं होता है, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के भाव को बढ़ा देते हैं। तो राहु यहाँ बैठ करके बृहस्पति को एक ओवर कॉन्फिडेंस का रूप थोड़ा सामने आएगा कि ऐसे जातक को थोड़ा अपने ऊपर एक जिसको अहंकार भी कह सकते हैं, छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब अहंकार ही होता है कि आदमी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो यहाँ राहु बैठ के कई बार, एक्चुअली राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, राहु सबको भ्रमित करता है। तो गुरु के साथ बैठने से हालांकि वो ज़्यादा भ्रमित तो नहीं करेगा, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का ये सबूत अपना जरूर देगा। ऐसे जो जातक हैं थोड़ा जल्दबाजी में काम करते हैं, और जल्दबाजी में अगर काम करेंगे तो उनको नुकसान। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए सबसे पहला तो यही सवाल है कि आप जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, ना कोई काम करें, आराम से सोच समझ के अपना कदम उठाएं। क्यों, लाभ भाव में बृहस्पति बैठा है, वो तो लाभ देने में सक्षम है, लेकिन साथ में राहु बैठने से कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट जरूर देगा। उससे आपको दो केंद्रों का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव का मालिक मिथुन राशि में बैठा हुआ है। लाभ भाव के स्वामी मंगल देवता बनते हैं, मंगल देव मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र का गोचर है मिथुन राशि से, केतु का गोचर पंचम भाव में है, शनि का गोचर भाग्य भाव में है। अब देखिए मिथुन राशि वालों के लिए कितना बढ़िया एक ग्रहों का एक योग बना हुआ है। लाभ भाव में बृहस्पति, राहु, अभी फिलहाल सूर्य भी बैठे हैं वहाँ, ये 14-15 मई तक रहेंगे, और साथ में बुध भी बैठे हैं जो वहाँ जून तक रहेंगे, 7 जून तक। तो सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु चार ग्रहों का एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और चारों ग्रह आपको लाभ देने में पूर्ण रूप से सक्षम। सावधानी बरतनी है कि राहु के द्वारा जो ओवर कॉन्फिडेंस बनेगा मिथुन राशि वालों का, वो उससे थोड़ा इनको बचना पड़ेगा। बुध व्यापार कार्य ग्रह और बृहस्पति कर्म भाव का स्वामी है, और कर्म भाव में हम व्यापार भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, दोनों चीज देखते हैं। तो यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी जो राशि का स्वामी, व्यापार का स्वामी ग्रह बुध देवता उसके साथ बैठेंगे तो व्यापार में एक बहुत ज़्यादा एक बदलाव होगा आपका, एक महत्वपूर्ण बदलाव इस साल होने वाला है, आप बहुत अच्छा व्यापार कर पाएंगे और लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है भाई। बढ़िया व्यापार चलेगा तो लाभ अपने आप मिलेगा। सूर्य आपको लाभ देंगे, सरकार से लाभ दिलाएंगे, कुछ सरकारी टेंडर आपने भरा हुआ है उससे आपको लाभ दिलाएंगे, जब तक सूर्य आपके लाभ भाव में बृहस्पति के साथ बैठे। उसके बाद सूर्य का गोचर मिथुन राशि में आएगा तो वहां भी सरकार से मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य के द्वारा लाभ दिलाया जाएगा। तो दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से उनकी दृष्टि कहां कहां जाती है और उसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होता है। देखिए बृहस्पति के बारे में ज्योतिष में हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ जहाँ गुरु का दृष्टि जाता है वहाँ वहाँ अमृत की धारा बहती है। अब बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है 5वीं, वो 3रे भाव पे आती है। 3रा भाव होता है हिम्मत का, मेहनत का, बल का, पराक्रम का, मनोकामना का, बहन भाइयों का, ये भाव हमें शो करता है। जब बृहस्पति की यह दृष्टि आती है तो बहन भाइयों से संबंध सामान्य से बढ़िया रहेंगे, मेहनत, पराक्रम, हिम्मत आप में पूरी बनी रहेगी, आप पूरे जोश और खरोश के साथ अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि साथ में राहु की दृष्टि भी आ रही है। अब राहु की 3रे भाव में दृष्टि का मतलब है कि 3रे भाव में राहु की जो दृष्टि है उसको बल मिलता है, आप जो भी काम करेंगे बिना थके आप काम कर पाएंगे, पूरे हिम्मत से साथ, पूरे जोश खरोश के साथ जो भी आप काम करेंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि आती है पंचम भाव। पंचम भाव से हम देखते हैं हमारे संतान, हमारा रिलेशनशिप, कपल्स के लिए प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, लव लाइफ, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं।
जो भी कपल्स आज के समय अगर ऐसे माहौल में हैं कि आपस में रिलेशनशिप में हैं और कल को वो ब्याह भी रचाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद में राहु उनका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे जो जातक हैं बड़े आराम से वो 30 अक्टूबर के बाद में हंसी खुशी के साथ अपने रिश्तों को एक नया नाम और नया आयाम दे सकते हैं। संतान पक्ष की बात करते हैं, बृहस्पति स्वयं संतान भाव के कारक हैं और यहाँ पर संतान भाव पर बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि है, तो संतान पक्ष को लाभ रहेगा पूरा साल और संतान पक्ष से आपको लाभ रहेगा पूरा साल। आपकी संतान कुछ ऐसा काम करेगी, हो सकता है उसको कोई पारितोषिक इनाम या कोई ट्रॉफी या कोई मेडल उसको मिल सकता है, उससे आपको खुशी होगी क्योंकि बृहस्पति तो खुशी देना चाहते हैं, देना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, देते भी हैं। तो बृहस्पति का जो प्रभाव है पंचम भाव बहुत अच्छा रहने वाला है, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, पूरा साल उनके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, उनको किसी प्रकार का बिल्कुल भी कोई घाटा नहीं। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि स्वयं की अपने घर सप्तम भाव पे आती है। अब जो ग्रह अपने ही घर पे लाभ में बैठकर दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको सप्तम भाव से संबंधित जिन जिन चीजों का हम विचार करते हैं उन सब में लाभ रहने वाला। पहला विचार करते हैं पति पत्नी का, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, आपस में कोई मतभेद या कोई डिस्प्यूट है, वैचारिक मतभेदता है, तो वो सबकी सब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि से खत्म हो जाएगी। पीछे कोई अगर डिस्प्यूट था तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा हम सप्तम भाव से देखते हैं हमारे व्यापार, व्यापार पार्टनरशिप, अगर हम कोई व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। 30 अक्टूबर तक थोड़ा हमको संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु गुरु की जो युति है हमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं हमें नुकसान दे सकती है, उससे हमें बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कोई जुडिशियल का केस, कोर्ट कचहरी का कोई केस हमारे ऊपर तो नहीं है। अगर कहीं ऐसी पोजिशन बनती है कोई जुडिशरी का या कोई कोर्ट का कचहरी का और हमारे ऊपर कोई केस लगा हुआ है, तो वहां पर बृहस्पति आपको 100% 100% आपको रिलीफ दिलाएगा और जब आपको रिलीफ मिलेगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्यों? कि बृहस्पति के स्वयं के ऊपर, राहु के स्वयं के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि स्वयं जुडिशरी का कारक होता है। तो जुडिशरी से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट, कोई केस अगर आपका बनता है तो शनि के द्वारा बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगी। आपका अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है आपका, कोई कोर्ट का, कचहरी का, प्रॉपर्टीज का, फैमिली का, कोई परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, उन सब डिस्प्यूट से आपको या शनि की दृष्टि जो बृहस्पति के ऊपर आ रही है उससे आपको राहत रहेगी। भाग्य में स्वयं शनि बैठे हैं तो भाई मिथुन राशि वालों ने भाग्य दरवाजे खोल दिए हैं इनके लिए। आप इतने से मान के चलिए इनका गोल्डन पीरियड अभी शुरू हो चुका है, 22 अप्रैल के बाद गोल्डन पीरियड मिथुन राशि का शुरू हो गया है। देखिए पीछे मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली इनको बहुत दिक्कत रही है, काम धंधे जॉब की वजह से परेशानी रहे हैं क्योंकि मिथुन राशि के शनि की स्वयं का ढैया का प्रभाव कुछ 2.5 साल रहा है। कुछ 2.5 साल में मिथुन राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब परेशानियाँ दूर होकर के इनका गोल्डन टाइम का समय शुरू हो गया है। तो 22 अप्रैल के बाद में बृहस्पति का जो गोचर आपके सामने हो रहा है मेष राशि में और मिथुन राशि से लाभ भाव में जो हो रहा है, ये एक तरह से आपके लिए गोल्डन टाइम की स्टार्ट है। आपका एक स्वर्णिम समय शुरू हो गया है जो आने वाले, हमने पीछे वीडियो आपको दिया था कि सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मिथुन राशि के लिए, उसमें हमने आपको 5 साल के लिए समय दिया था कि 2023 से 2027 तक मिथुन राशि का गोल्डन टाइम आने वाला। गोल्डन टाइम की शुरुआत हो रही है 22 अप्रैल के बाद। मिथुन राशि वाले आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, उत्तम समय है हर तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको थोड़े से उपाय बता देते हैं। अगर किसी की बृहस्पति खराब है उनको क्या उपाय करना है, राहु खराब है तो क्या उपाय करना है। पहले दो बात हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का और सबसे ज्यादा ज्योतिष का चैनल। ज्योतिष के अंदर आपको नई नई जानकारी, नित्य नए जो जो सूत्र हैं वो आपको हम बताते रहते हैं।
और आपके सहयोग से चैनल हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, जो दर्शक हमसे नया जुड़ते हैं। और सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल कुछ आइकॉन है उसको ऑल करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ से जाएगा आपके मोबाइल पर जाना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से देख पाएँ वीडियो को। इसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करके अपने जो मित्र हैं उनको शेयर अवश्य। बात करते हैं कि हमारा जो काम है वो कुंडली विशेषण का काम है। हम अगर किसी की कुंडली में कोई परेशानी है, आपको जीवन में कोई कठिनाई महसूस हो रही है, पक्ष कोई सा भी हो, धन का पक्ष हो, संतान पक्ष हो, शादी का पक्ष हो, पति पत्नी का अगर कोई मैटर है, भाग्य का भी कोई मैटर है, कर्म का कोई मैटर है, इन सब मैटर के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करके जो सटीक और आपके लिए जो अच्छा उपाय होगा वो आपको बताएंगे। हमारे यहाँ अच्छे और उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन में मिलते हैं, हीरा मोती पन्ना पुखराज नीलम मोती, आपने जो भी चाहिए लैब टेस्टेड और गारंटेड माल मिलेगा, जनरल माल मिलता है। हमारे यहाँ कोई धोखाधड़ी का कोई काम नहीं है, आपके पैसे का पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। बात करते हैं अब लाभ के उपाय। अगर आपकी बृहस्पति खराब हो, अगर वो जन्म के समय उसकी तृतीय भाव में है या नीच की है या किसी पापी ग्रह के साथ अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उससे थोड़ी सी जो न्यूनता रहेगी आपकी कुंडली में बृहस्पति के गोचर की, उसको शुभ कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें केसर का उपयोग करना चाहिए, माथे पे टीका लगाना और नाभि पे टीका लगाना हमें शुरू करना चाहिए बृहस्पतिवार दिन से। इसको करने से बृहस्पति शुभ होता है। बृहस्पति के बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रों सह गुरुवे नमः, दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दो मंत्र हैं, आप कोई सा भी मंत्र एक मंत्र उठा लें इसमें से, और उस मंत्र का आपने रोजाना कम से कम 5 माला का आपने जप जरूर करना, उससे बृहस्पति शुभ होगा। आप केले की पूजा भी कर सकते हैं और बृहस्पति का व्रत भी कर सकते हैं। अगर आपको राहु से कोई परेशानी है, राहु आपका अष्टम में या द्वादश भाव में बैठा है, या राहु के साथ कोई पाप प्रभाव है, पाप प्रभाव में राहु बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं करेगा आपको। लिए राहु का जो उपाय बता रहे हैं सबसे सिंपल और बढ़िया उपाय है, पानी वाला जो नारियल आता है जिसको हम फोड़ के प्रसाद के रूप में खाते हैं, वो नारियल जिसको हम जटा वाला भी कहते हैं कई बार, उस नारियल को सोमवार के दिन आप अपने सिर से ऊपर उतारा करके बहते हुए जल में कम से कम 3 नारियल का जोड़ा बना के इसको बहाए, और हर सोमवार को आप भोले बाबा की सेवा कच्चे दूध में तेल चावल और चीनी डाल के करें, उससे राहु के जल जो दोष हैं वो दूर होकर के आपको राहु अच्छा प्रभाव देगा, सक्षम होगा, राहु का प्रभाव ठीक रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचाएगा, और जो आपको कहीं उसने घाटा देना है उस घाटे से भी राहु आपको बिल्कुल अवश्य ही बचाएगा। तो मित्रों ये था मिथुन राशि का वीडियो, आपको कैसा लगता है कमेंट में आप हमें जरूर लिखें। इसके साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।